हेलो गाइस, बात करने वाले हैं इस वीडियो में कसम तेरे प्यार की शो के बारे में। इस शो की अगर बात करें तो एकता कपूर का ये शो रहा है तो डेफिनेटली लॉन्ग रनिंग तो शो रहा ही होगा और लोगों ने इस जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। सबसे मेन बात, इंपॉर्टेंट बात ये है क्योंकि इस जोड़ी को लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है इस शो तमिजा के कैरेक्टर से। तो यही वजह है कि शो के सीजन 2 में इसी जोड़ी की डिमांड चल रही है क्योंकि सुपर डुपर हिट रही थी जोड़ी जब इस शो का सीजन 1 स्टार्ट किया गया था। शो के साथ ही लोगों ने इस जोड़ी को भी वैसे ही प्यार दिया क्योंकि शो की स्टोरी भी काफ़ी यूनिक और इंटरेस्ट स्टोरी लगी है लोगों को। कसम को निभाने के लिए किस तरीके से पुनर्जन्म लेते हैं ये, तो ये सब कुछ आपको देखने को मिला है। हालांकि ये सब सिंगल्स नहीं हो सकता है लेकिन वाकई में स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही थी। सो अगर ऐसा देखा जाए तो फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आई यहाँ पर शरद मल्होत्रा और कृतिका शेंगर की जोड़ी। इस जोड़ी की अगर हम बात करें सीजन 2 में डेफिनेटली यही जोड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज सीजन 2 में अगर कोई और जोड़ी होती है तो सीजन 2 आने का कोई मतलब नहीं बनता है। वैसे तो आपको ये बात पता होगी कि एकता कपूर अपने पॉपुलर शो जब भी लेकर आती है इसका सीजन 2 तो वहाँ पर स्टार का चेंज ही होती है, आपको नई जोड़ी ही देखने को मिलती है। सो यहाँ पर भी ऐसे ही चांसेस लग रहे हैं कि आपको नई जोड़ी ही देखने को मिलेगी, यानी शरद और कृतिका शायद इस शो से एग्जिट कर जाएँ। शायद कैमियो रोल प्ले करने के लिए दोनों नजर आए, उसके बाद शो से एग्जिट हो जाएगी क्योंकि ऐसा हो सकता है। फिलहाल क्लियर नहीं है, तो अगर ऐसा होता है तो शायद फैंस इस बात से काफी डिसअपॉइंटेड नजर आएंगे। नई ऑडियंस तो जुड़ेगी लेकिन सीजन 1 के जो ऑडियंस है जो फैंस रहे हैं वो शायद होते हैं सीजन 2 को ना देखें। अभी फिलहाल इस बात को लेकर क्लियर नहीं है क्योंकि अनाउंसमेंट नहीं करी गई है लेकिन उम्मीद यही करी जा रही है। कयास लोग यही लगा रहे हैं कि एक तरह को सीजन 2 में स्टार कास्ट डेफिनेटली चेंज ही करने वाली है। आपका इन सब बातों पर क्या कहना है कि इस जोड़ी को आप देखना चाहते हैं कृतिका और शरद की जोड़ी को ही, ऋषि और तनुजा के कैरेक्टर को देखना चाहते हैं या फिर अदर एक्ट्रेस को देखना चाहते हैं? अब देखने वाली बात ये होगी कि एक्ट्रेस को अप्रोच किया जाता है शो के सीजन 2 के लिए जब भी सीजन 2 आएगा। वैसे तो देखा जाए कलर्स टीवी भी इतने कई सारे ओल्ड जो पुराने शोज रहे हैं उनको ऑफ एयर कर रहा है और कई सारे नए शोज ऑन एयर हो चुके हैं कलर्स टीवी पर और कई सारे ऑन एयर होने हैं। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या कुछ होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।